जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास शुरू होने वाला है। श्रावण मास में इतनी बड़ी संख्या में बहुत सारे शिव मंदिरों में अनुष्ठान चालू हो जाएंगे, भक्ति चालू हो जाएगी, जाप चालू हो जाएगा। और जितने भी लोग शिव भक्त हैं, जो भगवान शिव को बहुत मानते हैं, जिनकी भगवान शिव में, माता पार्वती में जिनकी बहुत ही अधिक प्रीति है, भक्ति है, वो लोग श्रावण मास को बहुत अच्छे से मना सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में हर सोमवार को, जो लोग उज्जैन के पास में रहते हैं वो हर सोमवार को उज्जैन महाकाल जाते हैं सवारी देखने के लिए। अभी तो कुछ सालों से कोरोना की वजह से दिक्कत आई थी, लेकिन इस बार सवारी जरूर निकलेगी और 4-5 जितने भी सोमवार सावन के आ रहे होंगे वहां पर दर्शन करने के लिए, सवारी के दर्शन करने के लिए। मंदिर में तो इतनी भीड़ होगी कि दर्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सवारी जो निकलती है उस सवारी के दर्शन करने के लिए लोग जरूर जाएंगे। हम भी वीडियो बनाएंगे, हम भी जाते हैं, हम भी जाएंगे तो वीडियो वहां से आपको दिखाएंगे महाकाल की सवारी जब निकलती है सावन के सोमवार को। तो सावन के सोमवार जो आ रहे हैं उसमें शिवजी की साधना करना चाहिए, शिवजी की भक्ति करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग हमेशा के लिए रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहते हो, जो 12 महीने या आजीवन जो रुद्राक्ष मालाएं धारण करते हो, जो रुद्राक्ष माला लेना चाहते हो जाप करने के लिए, या फिर आप कोई भी मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी से लेकर जितना भी मुखी आप चाहते हैं, अगर आप कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन के पूरे महीने किसी भी दिन उसको आप अगर खरीद लेते हैं रुद्राक्ष को, तो आप उसको धारण कर सकते हैं सावन के महीने में। तो ये बहुत अधिक लाभ देता है। मान्यता ऐसी है कि अगर पहले से भी आपने धारण कर रखा है तो श्रावण के महीने में अगर आप धारण किए रुद्राक्ष को ले जाकर शिवलिंग से टच करते हैं तो शिवलिंग से एक विशेष ऊर्जा निकलती है जो कि रुद्राक्ष में चली जाती है, और फिर उस रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो वो फिर बहुत लाभ देता है। जैसे कि हमने ये एक मुखी गोल रुद्राक्ष धारण कर रखा है। एक मुखी गोल रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष होता है, ये आप लोग जानते हैं। एक मुखी गोल रुद्राक्ष जो होता है, आपको ये भी पता है कि इसके लिए लूटपाट भी बहुत होती है। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे या कहीं से भी आप इस रुद्राक्ष को लेने की का प्रयास करेंगे तो इसकी जो प्रारंभिक कीमत होती है, जो धनराशि होती है, वो आप देखेंगे कि लाखों में है। एक मुखी गोल रुद्राक्ष लाखों में इसकी कीमत जाती है। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो बताते हैं, जिन्होंने खरीद कर लाए हैं, कुछ लोगों नेपाल से लेके आए, कुछ अच्छे प्रतिष्ठित स्थान से लेकर आए हैं, तो उन लोगों ने भी बताया कि भाई 2.5 लाख का लाए, 1.5 लाख का लाए। तो इतनी बड़ी कीमत चुकाकर लोग गोल एक मुखी रुद्राक्ष लेकर आते हैं। गोल एक मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है, शिवजी की विशेष कृपा तो उसको प्राप्त होती ही है। एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ने से जीवन में उसको अपना लक्ष्य दिख रहा होता है कि उसे क्या करना है। उसे जीवन में अपने मार्ग से भटकने की जो प्रतिशत होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब जो लोग एक मुखी गोल रुद्राक्ष धारण करते हैं वो लोग जीवन में अपने रास्ते से भटकते नहीं है, अपने मार्ग से कम भटकते हैं। सुनने में आता होगा आपको कि एक मुखी गोल रुद्राक्ष जो धारण करता है उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न इस तरह का नहीं होता कि आप घर बार छोड़ देंगे। वैराग्य उत्पन्न इस प्रकार का होता है कि आपका ध्यान ज्यादा इधर उधर भटकने के बजाय अपनी शिव भक्ति में ज्यादा लगा होता है। आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ, शिव भक्ति की तरफ ज्यादा रहेगा, यहां वहां आपका ध्यान नहीं भटकता है। ये एक मुखी गोल रुद्राक्ष के लाभ होते हैं। एक मुखी गोल रुद्राक्ष हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, नए एक मुखी गोल रुद्राक्ष आए हैं जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एक मुखी गोल रुद्राक्ष जो है इनकी कीमत जो इस बार निर्धारित की गई है वो फिर से, क्योंकि सावन में हर बार रुद्राक्ष की सेल लेकर आते हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की मालाएं जो आपको उपलब्ध कराई जाती हैं कम से कम कीमत में। जैसा कि पहले भी बताया था कि श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र जो है ये समाज सेवा के लिए है। इसमें जो लोग दान करते हैं, इसमें जो लोग सहयोग राशि देते हैं, उससे ही ये सेल लाई जाती है कि इन चीजों पे पैसे कम करके, धनराशि कम करके उपलब्ध कराई जा सके। तो अभी रुद्राक्ष के ऊपर हमने सेल लेकर आ रहे हैं। श्रावण मास पूरे एक महीने की ये रुद्राक्ष के ऊपर ही सेल लागू होगी। रुद्राक्ष की माला हो या रुद्राक्ष हो, आप अगर खरीदना चाहते हैं, अगर आप लेते हैं तो आपको कम कीमत में मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष जिसकी 51,000 रुपए कीमत तय की गई थी, इस बार जो नए रुद्राक्ष आए हैं, पहले 31,000 में उपलब्ध कराए थे हमने आपको। 31,000 में भी उस समय भी इसकी कीमत जो थी वो कम से कम 51,000 रुपए थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि धनराशि जो साधक देते हैं केंद्र में, उस वजह से कीमत कम करके 31,000 में ये उपलब्ध कराया गया था। 51,000 रुपए इसकी धनराशि है एक मुखी गोल रुद्राक्ष की। अगर आप श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र से सामान्य दिनों में लेते हैं, आप कोई भी माला या रुद्राक्ष लेते हैं तो सामान्य दिनों में उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन
श्रावण मास की जो रुद्राक्ष की सेल हमने लेकर आए हैं, इसमें हमने सभी चीजों पे जो कीमत है उसको कम करके लेकर आए हैं। अभी जो हमने सेल लेकर आए हैं, इस सेल में सभी चीजों पे हमने कीमतें कम कर दी हैं। इसका जो कोड रहेगा वो रुद्राक्ष ही रहेगा, जैसा कि हमेशा रहता है। और एक मुखी गोल रुद्राक्ष जो सामान्य दिनों में 51,000 से हमारे यहाँ शुरुआत होती है, बाजार में तो ये 1.5 लाख से 2 लाख से शुरुआत होती है, जो 15 लाख तक जाती है। लेकिन महालक्ष्मी रत्न केंद्र ये 51,000 का रुद्राक्ष जो है मात्र 25,000 में उपलब्ध करा रहा है आपको इस सेल में, एक मुखी गोल रुद्राक्ष जिसकी संख्या सीमित है। ये सेल जो है वो 1 महीने की है। इस एक श्रावण मास में आप जो भी लोग एक मुखी गोल रुद्राक्ष आप चाहें तो इसकी कीमत कहीं भी आप पता कर सकते हैं, एक मुखी गोल रुद्राक्ष की इसे आप देख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको इससे कम कीमत में मिल रहा हो तो आप ले भी सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं आपको अध्यात्म से जोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी जबरदस्ती नहीं होती कि आप किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हमसे लें। विधियां जो दी जाती है सामग्री की वो निःशुल्क है, सहायता जानकारी ज्ञान अनुमति सब कुछ आपको निःशुल्क दिया जाता है। तो इसीलिए एक मुखी गोल रुद्राक्ष अगर आपको कहीं से कम में मिलता है तो आप ले सकते हो, अन्यथा श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र में 25,000 रुपए में, यानी कि ये आपकी 51,000 जो कीमत है उससे कम करके सिर्फ सेल का आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि साल भर तो उपलब्ध रहते नहीं है। आप लोग कई बार बीच में पूछते हैं साधक, तो हम उनको कहते हैं कि अभी नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी मात्र 25,000 में आपको उपलब्ध किया जा रहा है सेल के दौरान। तो 14 तारीख से श्रावण मास की हम सेल शुरू कर रहे हैं, जो कि श्रावण मास खत्म होने तक जारी रहेगी। रुद्राक्ष माला, किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष आप ले सकते हैं, इनको सीधे आप धारण कर सकते हैं, हमारे यहां से इनके लिए जो आवश्यक पूजन होता है वो करके भेजा जाता है। गंगा जल नर्मदा जल का स्नान यहां से करवा के ही दिया जाता है, तो आप अपने घर में साधारण जल से भी आप चाहें तो रुद्राक्ष का स्नान करवा के जब आपको मिल जाता है उसका आप चाहें तो पूजन करके धारण अपने हिसाब से, आप जो ऐसा भी पूजन आपको आता हो वैसा आप करके धारण कर सकते हैं, अन्यथा यहां से तो आपको करके दिया जाता है, तो सीधे सीधे आप धारण कर सकते हैं। तो एक मुखी गोल रुद्राक्ष आपको सेल में दिए जा रहे हैं, आप इनको ले सकते हैं। पहले आप कीमत देख लीजिए, पता कर लीजिए, उसके बाद जब आप संतुष्ट हो कि श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र आपको जो कीमत बता रहा है वहां वैसी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तब फिर आप ले सकते हैं। इस बात के लिए वो साधक जो लोग सहायता करते हैं धनराशि से उनको धन्यवाद, जो लोग सहायता करते हैं सामग्रियों की सेल लाने में उनको धन्यवाद। तो श्रावण मास जो आ रहा है, श्रावण मास में बहुत प्रकार की चीजें होंगी। जो लोग कावड़ यात्रा में जाते हैं, वो लोग जिन्हों के पास पहले से रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष मालाएं हो, वो कावड़ यात्रा के दौरान अपने रुद्राक्ष और रुद्राक्ष माला को अपने साथ लेके जाना। जहां से भी आप जल भरते हैं वहां पे उनको स्नान कराना, धारण मत करना, स्नान कराना, और वहां से उनको आप अपने साथ ही जिस भी शिव मंदिर में आप जलाभिषेक करेंगे, जहां पे आप जाके शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे वहां पर आप जल चढ़ाना, और वहीं पे शिवलिंग से अपनी माला या रुद्राक्ष को ऐसा टच करके वो फिर आप धारण कर लेना, वो 100 गुना ज्यादा जागृत हो जाएगा। पहले से कोई माला हो, पहले से कोई रुद्राक्ष हो, तो ये विधि आप करेंगे कि जहां से आप जल भरेंगे वहां स्नान करवाना, लाके शिवलिंग से टच करवाना, आप जब जल चढ़ाओगे तब अपनी माला या रुद्राक्ष को टच करवाना और उसके बाद उसको धारण कर लेना, 100 गुना उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। क्योंकि भगवान शिव जो है वो ही परमेश्वर है, जो सुपर पावर जिसको कहते हैं ना निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जो परम शक्ति जिसने ब्रह्मा और विष्णु जी को जब प्रकट किया, उनको जब साकार किया, उनको साकार रूप दिया, अपनी ही ऊर्जा से उनको बनाया और रूप दिया, तो इन दोनों के भ्रमित होने पर इन दोनों को मार्गदर्शन करने के लिए शिव जी ने अपना रूप दिखाया कि भाई मैं ये रूप धारण करके आपके सामने आता हूं। जिस रूप में शिव जी ने उनको दर्शन दिए वो वास्तविक रूप नहीं है उनका, उनका वास्तविक जो रूप है वो तो निराकार ही है। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग भी निराकार है। ये तो भगवान शिव ने अपना प्रतीक बताया है शिवलिंग को कि भाई ये मेरा प्रतीक है, इसका आप पूजन करो। जैसे कि राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, कमल, जबकि कमल से उस पार्टी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है कि कमल की पंखुड़ियों से या कमल की आकृति से उसका कोई संबंध हो, लेकिन वो उनका चिन्ह है कि आप जब इसको वोट देते हैं, इसको मानते हैं, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं। जब आप कांग्रेस पार्टी का जो हाथ का चिन्ह है तो वो उनका क्या है, वो कोई उद्देश्य नहीं, वो बस चिन्ह है कि भाई ये हमारा चिन्ह है और इसको आप जब वोट देते हो तो आप हमारा सपोर्ट करते हो। तो इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, हर अलग अलग प्रकार के लोगों के चिन्ह होते हैं कि भाई इस ये सूचक है इस चीज का, ये आकार है प्रकार इस चीज का। वैसे ही शिवजी ने, भगवान शिव ने शिवलिंग को अपना चिन्ह बताया कि ये मेरा प्रतीक है, आप इसका पूजन करोगे, मतलब आप निराकार जो परम शक्ति सुपर पावर है शिवजी हैं उनका आप पूजन कर रहे हो। तो शिवजी प्रमुख मूल सुपर पावर है,
मुख्य शक्ति सृष्टि करता है, उन्होंने ही ब्रह्मा और विष्णु को रूप दिया सृष्टि को चलाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए, और शिव जी को सामने आना पड़ा इनको, जिससे कि ये भ्रमित ना हो, इनको भी आस्था बनी रहे कि हाँ हमसे ऊपर एक सुपर पावर है, एक परम शक्ति है, इसीलिए शिव जी ने अपना रूप धारण करके सामने आए। तो शिव जी ने अपना चिन्ह, अपना प्रतीक शिवलिंग को बताया कि भाई ये जो शिवलिंग है ये मेरा चिन्ह है, ये मेरा प्रतीक है, इसका आप पूजन करोगे तो आपकी पूजा मुझ तक पहुंचेगी। शिवलिंग जो था ये ऊर्जा रूप में था, शिवलिंग जो सबसे पहले जो ऊर्जा रूप में जो खंभ, जो स्तंभ, जो एक खंभा जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने छोर ढूंढने का प्रयास किया कि भाई इसका छोर ढूंढते हैं कि छोर कहाँ है, छोर ढूंढने का प्रयास किया तो मिला नहीं, तो वापस आ गए। तो वो जो ऊर्जा का शिवलिंग था, ऊर्जा का जो शिवलिंग था, जो कि एक स्तंभ था, जो ऊपर से भी उसकी कोई आकृति नहीं थी, नीचे से भी कोई आकृति नहीं थी कि इसका अंत नीचे से गोल आएगा क्या, जैसे शिवलिंग ऊपर से गोल होता है, तो उस स्तंभ, उस ऊर्जा स्तंभ का ऊपर से सिरा गोल नहीं होता है, ना नीचे से गोल होता है। ये गोल आकृति जो होती है ये अनंत का सूचक होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि मनुष्य जो होते हैं उनका सर ऊपर से गोल क्यों है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है उसके आकार को गोल ही बताया गया है कि ये अंडाकार होता है, ब्रह्मांड को भी अंडाकार बताया गया है कि ये इस तरह की गोलाकृति लेकर बना है ब्रह्मांड, और उसके अंदर सभी जितने भी अन्य ग्रह होते हैं वो सभी गोलाकार रूप लिए हुए चलते हैं। तो चाहे वो जीवात्मा हो, चाहे वो परम शक्ति हो, गोलाकार जो स्वरूप होता है, अंडाकार जो स्वरूप होता है, उसको ही आकार माना जाता है। तो मनुष्य का जो सर होता है उसको भी इसीलिए गोलाकार ऊपर से रखा गया है क्योंकि ये भी असीमित होता है, इसकी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि असीमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती कि ये कितनी ऊर्जा इससे इसकी ग्रहण कर सकता है या ज्ञान ग्रहण कर सकता है, ये अनंत है। एक मनुष्य का सर भी, बुद्धि अनंत होती है, इसलिए हमारे सर की जो आकृति है वो भी गोल बनाई गई है कि ये गोल रहेगी। पानी की बूंद भी गोल क्यों बनाई गई है, क्योंकि निश्चित नहीं होता कि ये बूंद नीचे जाके कैसे आकार में ढलेगी, इसीलिए इस सृष्टि के अनुरूप, ये सृष्टि जो है उसमें उसके अनुरूप गोलाकार अपने आप पानी की बूंद जो होती है गोलाकार बन जाती है, एक रूप ग्रहण करती है गोलाकार। तो गोलाकार जो रूप होता है इसीलिए दिया जाता है कि अनंत जो होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, उस परमात्मा जो कि अनंत निराकार है, उनको दर्शाने के लिए गोलाकार बताया जाता है कि भाई अनंत को जहां कि आपको दिखाना हो कि अनंत है उसको गोल रूप दिया जाता है। तो शिवलिंग जो होता है उसको ऊपर गोलाकार दिया गया है, वो उनका स्वरूप नहीं है, वो तो अनंत है। अगर देखा जाए तो शिवलिंग अनंत है, ऊपर की तरफ भी कोई छोर नहीं, नीचे की तरफ भी कोई छोर नहीं, गोलाकार तो बताने के लिए दिया जाता है कि अनंत है। अगर जो चीजें जिसमें गोलाकार नहीं बताया जाता, नोक बताई जाती है, तो उसको कैसे समझाएंगे। मान लो मधुमक्खियों का झुंड से उड़ के जा रहा होता है आसमान में, तो उसको आप अपनी कलाकृति में, चित्र में कैसा बताते हैं कि भाई मधुमक्खियों का झुंड जा रहा है, तो आप कैसी ड्रॉइंग बनाएंगे, नोक बनाएंगे, गोलाकार नहीं बनाएंगे, आप नोक बनाएंगे, क्योंकि वो चल रही है, चलती हुई चीज को बताने के लिए, दिशा बताने के लिए आप उसमें नोक बनाते हैं, गोलाकार नहीं बनाते। लेकिन आप जब तालाब बनाते हैं जिसमें जल होता है तो आप उसको गोल बनाते हैं, बताने के लिए कि भाई ये जो चीज है इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, कोई भी आकार ले सकता है। लेकिन चलती हुई चीज को बताने के लिए आप वहां पे नोक बताते हैं, गोल नहीं बताते, नोक बताते हैं कि इस दिशा में जा रही है। लेकिन शिवलिंग, क्योंकि उसकी दिशा का पता ही नहीं है कि शिवलिंग जो स्तंभ है अनंत ऊर्जा का, वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, भगवान शिव का छोर ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ, पता नहीं है, इसलिए उसमें नोक नहीं बनाई जाती, उसको गोलाकार दिया जाता है कि ये अनंत है, ये परमात्मा की शक्ति अनंत है। गोलाकार तो स्वरूप बताया जाता है कि भाई ये सीधे सीधे ब्रह्मांडी शक्ति जो है, परमात्मा जो है, उनका सूचक है शिवलिंग, उनका प्रतीक, उनका चिन्ह है शिवलिंग, इसलिए उसको गोलाकार रखा जाता है ऊपर से, और नीचे से भी उसको गोलाकार ही माना जाता है। भले ही आप शिवलिंग को देखते हैं कि भाई ऊपर से गोलाकार है, नीचे से जलाधारी है, लेकिन वास्तव में शिवलिंग दोनों तरफ से गोल ही होता है। उसको यह आकार दिया गया अनंत स्वरूप बताने के लिए कि यह अनंत स्वरूप है, यह अनंत होता है। इसीलिए पेड़ों पे लगने वाले फल हो, चाहे सृष्टि में बनने वाली कोई भी चीज हो, उसका रूप अंत में गोल ही हो जाता है। एक पत्थर भी अगर लुढ़कता जाएगा, लुढ़कता जाएगा, लुढ़कता जाएगा, तो वो गोल आकृति ही धारण करेगा। तो गोलाकार अनंत की सूचक होती है कि ये अनंत से संबंध रखती है। तो परमात्मा शिव जो ब्रह्मांडी ऊर्जा दिखाते हैं, जो एक ऐसे स्तंभ को दिखाते हैं ब्रह्मा और विष्णु को, जिसका कोई अंत नहीं होता, तो उसको गोलाकार बताया गया है ऊपर से आप लोगों के लिए, जिससे कि आप
भगवान शिव की शिवलिंग जो गोलाकार है, ब्रह्मांडी ऊर्जा उसके ऊपर गिर रही होती है, वो शिवलिंग सीधे सीधे जुड़ा है ब्रह्मांडी परमात्मा से, उस सुपर पावर शिव से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसे वो इस तरह से गोलाकार बताया जाता है कि जो ऊर्जा गिर रही है वो सभी और बसों में पहुंच रही है। मनुष्य का शरीर भी इसीलिए इस तरह से बनाया गया है, बहुत सोच समझ के ऐसे नहीं बनाया गया, बहुत सोच विचार करके मनुष्य का शरीर बनाया गया है। हमारे भी सर को गोलाकार इसीलिए बनाया गया है कि भाई जो ब्रह्मांडी ऊर्जा गिरेगी ये मनुष्य जो होता है इसको ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे जीव जंतुओं में भी, अगर आप देखेंगे तो जिन जीव जंतुओं का मस्तिष्क गोलाकार होता है, जैसे कि हाथी होता है जिसका मस्तिष्क जो जिसका सर जो होता है वो गोलाकार लिया हुआ रहता है, या फिर अन्य जितने भी जीव जंतु जिनका मस्तिष्क अलग ही गोलाकार लिया होता है वो बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, जिनके सर पे कान ना रहे, जिनके कान खड़े होते हैं वो बुद्धिमान नहीं माने जाते, पर जिनके सर पे कान ना हो, बाजू में हो, और सर जो होता है उनका जो गोलाकार अगर है तो उसको भी ज्यादा बुद्धिमान जीव माना जाता है प्राणियों में भी। तो असर होता जरूर है क्योंकि ब्रह्मांड जो होता है ये गोलाकार से ही संबंध रखता है, उस अनंत शक्ति से। तो इसीलिए श्रावण मास में भी भगवान शिव पर जब आप जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो उससे आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा जो होती है उसका लाभ मिलता है, आप उसी से जुड़े हुए हैं, उसी से आपकी जीवात्मा बनी हुई है। ऐसी कोई भी जीवात्मा नहीं है जो उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ी हुई ना हो, सब जुड़ी हुई है, चाहे वो स्वयं ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी हैं, चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे वो देवी शक्तियां हैं, सब ब्रह्मांडी ऊर्जा से निर्मित हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए जब आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपकी जीवात्मा जो होती है उसमें भी आपको बहुत सी हलचलें होती हैं, बहुत सारे आपको अनुभव होते हैं। तो श्रावण मास में जो भी भगवान शिव की भक्ति करते हैं वो रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं आप, तो रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं इस विधि से कि पहले आप लेके जाइए, स्नान कराइए, जो लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं वहां से लेके आके शिवलिंग से टच करके धारण कर लीजिए। जो लोग कहीं कावड़ यात्रा पर नहीं जाते हैं वो भी यही करिए कि अपने घर में शिव जी की अगर संबंधित कोई भी वस्तु हो, रुद्राक्ष माला हो, रुद्राक्ष हो, उसको लेके जाए आप किसी भी नदी में, पूरे श्रावण मास में कहीं भी एक बार स्नान करवा के और शिवलिंग से टच करके उसको धारण कर लें। अगर नदी नहीं है आपके आसपास, आप इस महीने कहीं नहीं जाने वाले, तो घर से ही स्नान करा कर ले जाएं, शिवलिंग से टच करके मंदिर में लेके, और चाहे तो मंदिर में धारण कर लें तो और अच्छी बात है, धारण कर लें। और जिन लोगों को बाजार से, जो लोग रुद्राक्ष लेते हो या माला ऐसी दुकान से आप किसी कहीं से भी खरीद के ले आए, अब उसको क्या करें, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हुई है तो क्या करें, तो आप सीधे मंदिर ले जाओ, वहीं पे उसको स्नान कराओ, लोटे में आप जल लेके जाओ, वहीं पे उसको स्नान करा दो, शिवलिंग के पास चढ़ा दो और शिवलिंग का अभिषेक कर दो, शिवलिंग से छूता हुआ जल उस माला पे या रुद्राक्ष पे भी चढ़ेगा, या शिवलिंग के ऊपर ही रुद्राक्ष रख के और फिर ऊपर से जल चढ़ा दो, रुद्राक्ष से होता हुआ जल शिवलिंग पे जाएगा, वो अपने आप माला और शिवलिंग जागृत हो जाता है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और फिर उसे आप धारण कर सकते हैं। तो श्री महालक्ष्मी रत्न के श्रावण मास में रुद्राक्ष से लेकर आया है, रुद्राक्ष उसका कोड है, आप वेबसाइट पे लगाकर ले सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे लेते हैं तो और अच्छी बात है, व्हाट्सएप पे सीधे डायरेक्ट ऑर्डर करने पे आपको चीजें जो है वो जल्दी निकल जाती हैं, डिस्पैच जल्दी हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो और अच्छे से हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप हर समय हाथ में रहता है, वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं तो दोनों चीजों में अंतर आता है। व्हाट्सएप पे आपका 6 घंटे पहले ऑर्डर प्रोसेस होता है, वेबसाइट पे 6 घंटे बाद हो जाता है, पर हो तो दोनों जाते हैं, मतलब कि आज किया हुआ ऑर्डर कल तक पूरी कोशिश करते हैं कि निकाल दिया जाए, अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो तुरंत उसको डिस्पैच कर दिया जाता है, लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा में समय लग रहा है, ज्यादा सामग्रियां इकट्ठी हो गई हैं, तो फिर आपको भले ही समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज है कि कम से कम आपको सामग्री प्राण प्रतिष्ठा करके मिलेगी, इस बात के लिए ही तो लोग महालक्ष्मी रत्न केंद्र से सामग्री लेते हैं, कि ऐसे तो जमीन से उठा के भी पत्थर घर में ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर गुरु के द्वारा दिया जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप सभी साधक जो लगातार हमसे पूछते हैं रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष माला के बारे में, आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप श्रावण मास में श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र में सहयोग करें, सामग्रियां लेके श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र में, ये आपकी आर्थिक सहायता भी होगी एक प्रकार से, कि आप महालक्ष्मी रत्न केंद्र को चलाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। अगर आप यहां से सामग्रियां लेते हैं तो आपकी धनराशि का सदुपयोग होता है, धार्मिक कार्यों में सदुपयोग होता है, कन्याओं के लिए उसका सदुपयोग होता है, मंदिर निर्माण के लिए सदुपयोग होता है, उसका कहीं ना कहीं पुण्य आपको अवश्य मिलता है। तो ये थी जानकारी श्रावण मास के रुद्राक्ष के सेल के ऊपर, अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।